देख सुमा, पहले मेरे बाल इतना तक था, अब देख कितना बड़ा हो गया। हाँ, और मैंने तो पिछले महीने ही हेयर कट किया था, याद है ना तुझे? हाँ, पर अब मेरे बाल देख, बस इतना सा काम करने से बाल इतने बढ़ गए। हाँ, पर आप भी जानना चाहते हो ना कि हमने अपने बालों को कैसे बढ़ाया है? पता है, इसीलिए तो आज हम एक ऐसा हेयर ग्रोथ रेमेडी दिखाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, और ये सब चीज घर पर अवेलेबल भी है। इसे यूज करने से आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे, घने और मजबूत बन जाएंगे। सिर्फ 20 दिनों में आप डिफरेंस देख पाओगे। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले वीडियो को लाइक करके नीचे स्टार्ट करने का सब्सक्राइब बटन को दबा दो और साइड वाले घंटे को भी दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर दो। सबसे पहले तो बालों के लिए प्रॉपरली राइस वाटर कैसे बनाते हैं वो देख लो। पहले तो एक बोल में एक कप राइस ले लो और फिर एक बार उसे अच्छे से क्लीन कर लो ताकि जो भी डर्ट या गंदगी हो वो सारे रिमूव हो जाए। राइस को अच्छे से धोने के बाद एक क्लीन ग्लास कंटेनर में राइस को डाल देना है और फिर इसमें डालना है लगभग 2 से 2.5 कप पानी। अब इसे आपको ऐसे ही पूरी रात के लिए छोड़ देना है, फिर सुबह उठ के इसे छान के यूज करना है। सबसे पहले तो बालों को शैम्पू करके धो लेना है, पर कंडीशनर नहीं लगाना। बालों को धोने के बाद इस राइस वाटर को लेकर स्कैल्प में लगाना है और धीरे धीरे मसाज करना है। राइस वाटर में बहुत ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं जो हेल्दी हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा भी राइस वाटर में कई सारे विटामिन मौजूद है, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, ई, जो हेयर में वॉल्यूम ऐड करता है और बालों को सुपर डुपर शाइनी बनाता है। 5 मिनट तक ऐसे हमें हल्के हाथों से मसाज करना है और 10 मिनट बाद बालों को पानी से वॉश कर लेना है। इससे आपके बाल बहुत ही जल्द लंबे और घने बन जाएंगे। तेरे हेयर में तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, तू बहुत महंगे सारे प्रोडक्ट्स लगाती होगी, है ना? नहीं तो मैं सिर्फ होममेड और उसके साथ एक अनोखी चीज अप्लाई करती हूँ जो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल महंगी नहीं है। मुझे भी नहीं बताएगी? हाँ बताऊंगी ना। अब हम बनाएंगे वो खास चीज, यानी के राइस मिल। इसे बनाने के लिए भी हम सेम तरीके से राइस ले लेंगे 1 कप और फिर इसमें डालेंगे 2 कप पानी और उसे अच्छे से धो लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कप वार्म वाटर और फिर इसे ऐसे ही रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे बाद इस पानी और राइस को लेकर ब्लेंडर में डाल देंगे और इसका मिक्सचर बना लेंगे। तो ये मिक्सचर बन गया है। अब हम इसे स्ट्रेन करके एक बॉटल में ले लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी पूरा थिक मिल्क जैसा बन गया है। इसे आपको अपने क्लीन ड्राई हेयर पे अप्लाई करना है, एकदम इस तरह से इसे बालों में और स्कैल्प में डालना है। राइस मिल्क बालों को नेचुरली स्ट्रेट बनाता है और जितने भी डैमेज हेयर है उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, साथ में पतले हेयर को घने बनाते हैं और हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। मतलब राइस मिल्क आपके सभी हेयर प्रॉब्लम का सलूशन है। वीक में 2 बार करके ऐसा कंटिन्यू करने से सिर्फ 30 दिनों के अंदर आप डिफरेंस देख पाओगे अपने बालों में। इसे लगाने के बाद आपको इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देना है और 30 मिनट बाद बालों को शैम्पू करके वॉश कर लेना है। अगर बालों की केयर करना है और हेल्दी तरीके से बहुत जल्द लंबा बनाना है तो राइस मिल्क एक बार जरूर ट्राई करना। अच्छा, तू और कुछ भी लगाती है या फिर सिर्फ राइस वाटर से बाल धोने से ही तेरे बाल इतने लंबे हो जाते हैं? हाँ, साथ में मैं एक और एक स्पेशल चीज यूज करती हूँ। अब सबसे लास्ट में हम एक राइस सीरम बनाएंगे सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 एलोवेरा का पत्ता ले लेंगे और एलोवेरा के कांटे को निकाल कर इस तरीके से क्यूब साइज में काट लेंगे। फिर एक पैन में लगभग 2 कप फर्मेंटेड राइस वाटर ले लेंगे, वही राइस वाटर जिसे हमने ग्लास कंटेनर में ओवरनाइट के लिए स्टोर किया था। अब इस राइस वाटर में हमने जो एलोवेरा काट के रखा था उसे डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच राइस पाउडर। इस राइस को हमने पहले से ग्राइंड करके रखा था। अब इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक। लगभग 10 से 15 मिनट बाद कंसिस्टेंसी एकदम सीरम जैसा बन जाएगा। अब इसे स्ट्रेन करके एक बोल में ले लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 विटामिन ई कैप्सूल। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप इस सीरम को एक कंटेनर में स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में 7 दिन के लिए इजीली स्टोर कर सकते हो। इस सीरम को आपको अपने क्लीन हेयर पे ही अप्लाई करना है। सीरम को लेके आपको अपने स्कैल्प में और पूरे बालों में अच्छी तरीके से लगा लेना है।
इस सीरम से आपके बालों में इतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मतलब एक बार में ही आप डिफरेंस देख पाओगे। बाल इतने स्ट्रेट, स्मूथ, सिल्की बन जाएंगे और कंटिन्यू वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करने से बालों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पतले बाल बहुत मोटे बनेंगे और रिग्रोथ भी होगा। सबसे बड़ी बात, बाल बहुत स्ट्रेट बन जाएंगे, वो भी नेचुरल तरीके से और स्मूथ भी, मतलब एक बार में ही बिल्कुल स्मूथनिंग जैसा लगेगा। इसे अप्लाई करके लगभग 40 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद शैम्पू से वॉश कर लो बालों। पहली बार की यूज से ही डिफरेंस देखो बालों में। ये तो बैठे बैठे क्या कर रही है? चल मम्मी बुला रही है, राइस खाना है जाके। क्या यार, तुझे सिर्फ खाने की पड़ी होती है, इतनी अच्छी चीज बताई। फ्रेंड्स, आप वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।